अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कश्मीर में हैं, मुजफ्फराबाद आ चुके हैं। ये एक बहुत खूबसूरत होटल है। दानियल, इसका नाम क्या था? ला ओरेला। होटल ला ओरेला है, बहुत खूबसूरत होटल है। झूले वगैरह भी हैं, इनकी ये रूम्स हैं। मैं अमूमन ये वाला कमरा चूज़ करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ के सामने है और नदी के सामने, और इतनी प्यारी हवा इस वक्त चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या नज़ारे हैं। अच्छा, ये इनका रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना बहुत मज़े का है। यकीन जाने बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का। मैं जब भी कश्मीर आती हूँ, मैं इस होटल पर रुक के खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ बैठने का भी बेहतरीन इंतज़ाम है, और बहुत ही मुनासिब रेट्स भी हैं, यानी कि रूम के रेट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। पर नाइट 5000 है। फैमिली ज़्यादा है तो अगर गैलरी वाला रूम चूज़ करेंगे, जैसे ये मैंने आपको गैलरी दिखाई, तो पर नाइट 6000 है। ये देखें, इतना खूबसूरत मौसम है, इतनी प्यारी हवा है, दिल फरेब मनाजिर हैं, और ये जो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन ये जो आवाज़ है ना, वो दिल को सुकून दे रही है। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रात में हो गई है ठंड और बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड अच्छी खासी हो गई है, वैसे लोगों ने जैकेटें निकाल ली हैं और मैं खुद जैकेट पहनी हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। देखिए, हम यहाँ से निकले हैं और ये बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए रौनकें माशाल्लाह से, यहाँ पर रौनकें। और हम जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, डिनर के लिए। अच्छा, ये जो ये आपको नज़र आ रहा है, अंधेरा नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पर ना, तो वो जनरेटर जिस चीज़ के पास है। हम कहाँ जा रहे हैं फर्रुख? सर्च कर रहे हैं कहाँ पे डिनर करना चाहिए। तो मून रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना हम, तो पंजाब टिक्का पे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मालिश वाला भी घूम रहा है और ये एक हम अभी सोच रहे हैं सूप यहाँ पे पी लें। अच्छा, देखिए हम आए हैं पंजाब रेस्टोरेंट, और फरुख मेरा तो सूप देख लें, और जहाँ सर्दी है तो मैं सूप पीऊँगी, ठीक है? और बाकी ये लोग अपना ऑर्डर करेंगे, ये लोग देख रहे हैं, और मैं आपको बाजार की रौनकें भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह।